नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नेशनल पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त परविंदर। सो बात करते हैं आज के जो लेटेस्ट टॉपिक की, उसमें कि चाइना ने जो आपको लसीके रिसेंटली पता कि लास्ट मंथ जो है चाइना ने जो है मलेरिया को जो अपने कंट्री से फुली जो है एलिमिनेट कर दिया है। तो WHO की रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट जो कि 2020 की रिपोर्ट है, उसमें WHO ने कहा कि इन 2019 जो है 229 मिलियंस पीपल जो थे मलेरिया की वजह से ग्रसित थे, उसमें से 409 या 4.09% जो लाख लोग थे उनकी मृत्यु हुई है इसी मलेरिया की वजह से। तो मलेरिया जो है 87 कंट्रीज़ में एक एंडेमिक जो है रिकॉर्ड प्ले कर रहा है, मीन्स 87 कंट्रीज़ में मलेरिया आज भी एंडेमिक एक बीमारी है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले जो है अफ्रीकन कंट्रीज सबसे ज़्यादा मलेरिया में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनका इनका कंट्रीब्यूशन रहता है 94% के करीब। वहीं इंडिया का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया ने जो 2019 में इसका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो 2% रहा है, बिकॉज जो 2019 की इन्होंने रिपोर्ट दी है इन द ये एक साल बाद पब्लिश होती है रिपोर्ट, तो उसमें जो इंडिया का 2% कंट्रीब्यूशन रहा। तो अगर बात करें हम कि कैसे जो है अदर्स कंट्री ने जो है जो सक्सेसफुली एलिमिनेट किया जो मलेरिया को अपने कंट्री से, तो उसमें से अगर हम एग्जांपल लें तो लाइक सिंस अगर 1900 की बात करें तो 127 कंट्रीज ऐसी थी जिनमें जो थे मलेरिया जो फुली एलिमिनेट हो गया था, मीन्स 1900 पहले की लास्ट सेंचुरी की बात है कि जब 127 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी कंट्री से फुली जो है मलेरिया एलिमिनेट कर दिया था। वहीं अगर 2021 की बात करें तो दो नई कंट्रीज आई हैं जिनका नाम है एक्स सेल्वाडोर एंड सेकेंड है जिसने 25th को ये रजिस्टर करवाया, एंड चाइना उसने 29th जून को रजिस्टर करवाया कि वो मलेरिया फ्री हो गए हैं बाय द WHO। तो WHO के वहाँ पे ये जाके रजिस्टर करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि WHO को आपने बोल दिया कि हाँ हम मलेरिया फ्री हैं तो WHO ने मान लिया। WHO इसका आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करता है कि पास्ट में कितने ईयर्स में जो आपके वहाँ पे मलेरिया के कोई केसेस है या नहीं। लाइक अगर पोलियो का केस लिया तो पोलियो में इंडिया जब पोलियो फ्री हुआ था तो उसमें WHO ने इंडिया के पास्ट 3 ईयर्स का रिकॉर्ड चेक किया था कि इंडिया में ऐसे कोई प्रीवियस केसेस तो नहीं है पोलियो के, उसके बाद ही जो है सर्टिफाई होता है कि दिस कंट्री जो है ये कंट्री जो है पोलियो फ्री है या मलेरिया फ्री है। तो जो भी फ्री हुई है कंट्रीज उनका देखे तो उन्होंने बहुत एक अच्छी स्ट्रेटजी जो है बनाई है जिससे कि वो मलेरिया से कोप अप कर सके। तो अगर चाइना की स्ट्रेटजी के बारे में देखें तो चाइना ने एलिमिनेशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई है, तो एक सम स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है जिसे वो कहते हैं 137 सिस्टम, इसको वो कहते हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो मलेरिया विद 1 डे डायग्नोसिस, 3 डे डायग्नोसिस एंड 7 डे पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, तो इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो सिस्टम है इनका। तो फर्स्ट डे में जो है 137 में फर्स्ट में जो है ये केस डिटेक्ट करते हैं एंड नोटिफिकेशन जाती है हॉस्पिटल में। जब कोई हॉस्पिटल में डिटेक्ट होता है केस तो उसकी नोटिफिकेशन जाती है तो इनके वेब सर्वर में वो सेव होती है। फिर वहाँ से जो है SMS जाता है पर्टिकुलर पर्सन को कि आपके जो उसको जो आपका पेशेंट है या आपका जो रिलेटिव है उसको मलेरिया, देन ये नोटिफिकेशन फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जो क्या इनका केस इन्वेस्टिगेशन एंड क्लासिफिकेशन है, देन फोकस इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन है। तो ये इसके 137 जो डेज हैं इन तीनों दिन में जो है ये सब प्रोसीजर होता है। तो ये एक दूसरे से रिपोर्टिंग कनेक्टेड रहता है, आप चेक करोगे तो सबसे ये लिंक रहते हैं और जो मेन सर्वर है इनका वहाँ पर ये डाटा स्टोर होता रहता है। तो अगर सिनेरियो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या करंट सिनेरियो है, तो उसमें अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में 1950 में जो था काफ़ी इंडिया में केसेस रहते थे मलेरिया के, जिसमें कि 75 मिलियन केसेस रहे थे और 0.8 मिलियन डेथ पर ईयर के हिसाब से रहती थी, तो 1950 का आंकड़ा है। तो वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फिर नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में लॉन्च हुआ, यानी 3 साल बाद लॉन्च हुआ, जिसने कि केसेस को काफ़ी कम कर दिया। अभी केसेस जो रहते थे 1 लाख के केसेस रहते थे जिसमें कि 1961 तक जो था कोई डेथ नहीं पाई गई इंडिया में विद द मलेरिया। तो अब अगर डेथ करें लेटेस्ट अभी सेंचुरी की 2009 में जो है उसमें 1100 डेथ रही हैं, वहीं अगर 2019 की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 80 डेथ रही है। तो ये रिकॉर्ड जो डाटा काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो रहा है इंडिया में। तो इंडिया की अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इंडिया जो है 88% मलेरिया केसेज में अकाउंट करता है, जिसमें से 86% जो है इंडिया की डेथ रहती है इन द साउथ ईस्ट रीजन में, यानी जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसमें 86% जो डेथ है वो सिर्फ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सेकंड कंट्री जो इसके अलावा कंट्रीब्यूशन में है वो है जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो अफ्रीकन में ड्यू टू द पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इसकी जो है
ज़्यादा केसेस मिलते हैं। तो अगर इंडिया के रोड मैप की बात करें, इंडिया में क्या रोड मैप रहता है इसका अहेड, तो इंडिया में जो है ट्रांसमिशन जो है फ़िलहाल तो काफ़ी डिक्रीज है, बट जो है इंडिया फिर भी जो है इस पर फोकस करता है कि उसके जो केसेस कम रहे। तो उसके लिए इंडिया को जो है काफ़ी स्मार्ट सर्वेलेंस डिवाइसेस जो है इंस्टॉल करने पड़ेंगे पब्लिक जो प्लेसेस है, जहाँ पे मलेरिया के जो आपको पता है कि जो पैरासाइट है मलेरिया का जहाँ पे पनपता है, तो वहाँ पे सर्वेलेंस सिस्टम इंडिया को यूज़ करना पड़ेगा। तो काफ़ी रिमोट एरिया में भी इंडिया को इसके लिए काम करना पड़ेगा। तो वहीं अगर जो इंडिया अगर डाटा की बात करें, तो इंडिया मलेरिया का हर रोज़ डाटा शेयर करता है। जब जब केसेज आते हैं नेशनल वेक्टर बोन डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत उसका डाटा जो है शेयर कर दिया जाता है ICMR के साथ। तो वो ICMR फर्दर WHO को बताता है कि हमारे पास इतने केसेज आए हैं मलेरिया के। तो कोविड के केस में भी सेम जो आपका नेशनल वेक्टर बोन डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, कोविड के केस में भी सेम जो है आपका डाटा जो है जितनी भी थ्रू आउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया जो डेथ्स होती हैं उसका डाटा भी इसके पास जाता है। ये फर्दर जो है ICMR को डाटा हैंड ओवर करता है। तो अगर इंडिया के फर्दर प्रोग्राम की बात करें, तो इंडिया जो है नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन का सिग्नेटरी है, जिसमें कि उसने एम किया कि 2030 तक जो है बाय द ईयर 2030 जो है वो मलेरिया को फुल्ली जो है इंडिया से जो एलिमिनेट कर देगा। इसके लिए उसने काफ़ी प्रोग्राम्स बनाए डिजीज़ एंड कंट्रोल के लिए, ताकि और इंडिया का हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी जो है इम्प्रूव करने के लिए जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप जो अभी रिसेंट की देखो, लाइक कोविड में जो है और मलेरिया में, कोविड में इतना फोकस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक के चलते इंडिया मलेरिया की केसेस पे, सो वो भी एक चैलेंज रहा है इंडिया के लिए। सो गाइज ये थी थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप जो है इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। और आपको मैं, अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हों, मैं बता दूं कि मैं सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस बताता हूँ। तो ये आज का एनालिसिस था। तो अगर मेरे चैनल के जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।